हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज मेरठ जिले के सरदना कस्बे में पर्यावरण धर्म समिति द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस चित्रकला प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के बारे में जागरूक करना है और पर्यावरण के बारे में जागरूक करते हुए यहाँ के जो चित्रकला आयोजित की गई है उस बारे में जो मुख्य वक्ता रहे उन्होंने क्या कहा, आइए बता। जी, मैं जितेंद्र पांचाल एडवोकेट, अध्यक्ष पर्यावरण धर्म समिति। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी संस्था पर्यावरण धर्म समिति प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती पर एक जनपद स्तरीय पर्यावरण चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करती है। इस वर्ष हमने सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज सरदना में एक कार्यक्रम रखा है और लगभग 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है, वहीं बच्चों में छुपी जो कला प्रतिभा है उसको उजागर करना भी संस्था का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष हम हजारों बच्चों को ये अवसर देते हैं। फर्स्ट प्राइज के रूप में, क्योंकि चार ग्रुप में ये प्रतियोगिता हो रही है, तो फर्स्ट प्राइज के रूप में संस्था पर्यावरण का प्रतीक साइकिल बच्चों को प्रदान करती है। उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेबल पुरस्कार हम बच्चों को देते हैं जो पढ़ने लिखने में उनको आगे बढ़ा सकें। और सिर्फ उद्देश्य यही है कि पर्यावरण के लिए जागरूकता हो और बच्चों की जो छुपी हुई कला प्रतिभा है वो उजागर हो, उन्हें प्रोत्साहन मिले। साहब, आज जो चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है पर्यावरण धर्म समिति द्वारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के ग्राउंड में ये कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है। गांधी जी एक विचार हैं, उसी को थीम को लेकर कि गांधी जी किस तरह का विचार रखते हैं, उन्होंने तीन कैटेगरी में ये कॉम्पिटिशन किया है और हर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज साइकिल रखी गई है और कॉन्सोलेशन भी प्राइज रखा गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 700 से 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सारी क्लासेस फुल हैं और नीचे ग्राउंड में भी जो जूनियर बच्चे हैं वो जिनसे ग्राउंड में बैठ कर ड्राइंग को बना रहे हैं। आपके मम्मी डैडी चेयरमैन, मम्मी चेयरमैन है इस वक्त, डैडी भी पहले चेयरमैन रह चुके हैं, तो पर्यावरण के बारे में, नगर के पर्यावरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लगातार कई प्रोग्राम नगर में पर्यावरण के संबंधित चलाते हैं। आज भी पालिका में एक प्रोग्राम था, जागरूकता प्रोग्राम, और अभी सेंट चार्ल्स में भी लोकल फॉर वोकल की थीम पर हर स्कूल्स में प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। और हमारा मोटिव ये भी है कि नगर को स्वस्थ और पर्यावरण रहित, मतलब ग्रीन जो थीम है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। लगभग हमने 2100 पौधरों पर अभी जुलाई में किया है और हमारा आगे भी मोटिव ये है कि सबको जागरूक करते, क्योंकि मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। और अभी हमने थीम चलाई थी एक माँ एक पौधा, तो उसमें भी हमने 2100 पौधरों पर किया है और आई होप कि आगे भी हम पर्यावरण संबंधित कार्य करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बदर चाको साहब। आज पर्यावरण धर्म समिति द्वारा एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 का दिन है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस हमें तो इस बात का बड़ी अच्छा लगता है कि कॉलेज में आज ये चित्रकला का कॉम्पिटिशन हो रहे हैं और मेरे ख्याल से 600 से ऊपर बच्चे अलग अलग स्कूलों में से आए हैं और आज के दिन में इससे बढ़िया बात क्या है, गांधी जयंती का दिन है और स्वच्छ भारत या स्वच्छता के ऊपर थीम है जो कॉलेज में आज जो प्रतियोगिता हो रही है उसकी। बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? बस यही जो गांधी जी ने कहा था कि, और जो हमारे आजकल के जितने भी लोग हैं कोशिश यही कर रहे हैं कि एक स्वच्छ भारत बनाए। स्वच्छता सबसे बड़ी, क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट गोल्डनेस कहते हैं, स्वच्छता ही सबसे महत्वपूर्ण है। और वातावरण स्वच्छ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति होगी। ये ऐसा है सर, हम हर साल गांधी जयंती पे, हमारी जो ये समिति है पिछले 5 सालों से हम हर साल एक चित्रकला प्रतियोगिता कराते हैं जो कि 4 ग्रुप में होती है। एक ग्रुप में 6 to 8 होता है, एक में 8 to 9, 11, 12 और उसके बाद एक जो बेशन के बच्चे होते हैं ये उनके लिए होती है। इसमें फर्स्ट सेकंड 3 प्राइज होते हैं चारों ग्रुप के लिए। हर बच्चे को कॉन्सोलेशन प्राइज सर्टिफिकेट और लगभग इसमें 1000 बच्चे इस बार बैठे हैं।
जो कि ये सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज में हो रहा है। हर साल समय समय पे स्कूल थोड़ा सा बदल दिया जाता है, तो ये कि बहुत बड़े लेवल पे होती है। आज ये प्रतियोगिता हो रही है, इसका दो दिन में रिजल्ट तैयार होगा और 5 तारीख को इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहीं सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में होगा, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक अतुल प्रधान जी होंगे और उसमें सब SDM साहब, CO साहब, जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो जनता सरधना के मौजूद लोग हैं वो सब उसमें इन्वाइट हैं। और आप लोगों से भी मेरे एक गुजारिश है कि सब लोग इसमें आए और इस प्रोग्राम को देखें और अगर हमसे कहें कोई इसमें कोई चीज़ होती है तो हमें उसका सुझाव दें। हमारा मैसेज ये ज़रूर होना चाहिए कि जिस जगह को हमने इस्तेमाल करा है उस जगह को उसी हालत में छोड़ के जाएं, उससे बेहतर छोड़ के जाएं जैसी वो हमें मिली थी। तो आप 5 तारीख को जब यहाँ पर आएंगे तो बच्चों से ये निवेदन, दरख्वास्त, ये अपील और इल्तिजा है, मैंने अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तीनों इस्तेमाल कर दी, कि आप इस बात का मजाहरा ज़रूर करें कि हम सफाई का मैसेज ज़रूर दें। गांधी जी का दूसरा मैसेज जिंदगी का सफाई था और उनका पहला मैसेज जो था वो शांति का और अहिंसा का था। जी, आपने इतने प्यार से धूप में, शदीद गर्मी में बात, वैसे तो पर्यावरण को बचाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन देखने में यह आया है कि बहुत कम लोग पर्यावरण के बारे में जागरूक हैं और पर्यावरण को साफ, स्वच्छ और अच्छा, तो बेहतर बनाने के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए वो कम लोग करते हैं। और समाज सेवी संस्थाएँ भी बहुत सारी हैं, अगर हम जनपद मेरठ की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो पर्यावरण के बारे में काम करती हैं। ऐसी ही एक संस्था है पर्यावरण धर्म समिति, जो पर्यावरण के बारे में जागरूक कर रही है। और आज जो उसने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर जो कार्य किया, यानी एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया जिसमें जनपद के विभिन्न स्कूलों से तकरीबन 700-800 या तकरीबन 1000 बच्चों के आसपास बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और पर्यावरण धर्म समिति के अध्यक्ष जितेंद्र पांचाल ने बताया कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में होने वाली इस प्रतियोगिता में जनपद के तकरीबन विभिन्न स्कूलों से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन बच्चों को प्रथम पुरस्कार के रूप में साइकिल दी जाएगी, जो पर्यावरण बचाने में बहुत प्रतीक है, जिससे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है। जबकि द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को भी आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। जितेंद्र पांचाल ने बताया कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कारों के अलावा भी प्रत्येक वर्ग में 10-10 सांत्वना पुरस्कार संस्था की ओर से दिए जाएंगे। वह कार्यक्रम संयोजक शावेज अंसारी व जीशान कुरैशी ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, साथ ही उनके हुनर का प्रदर्शन करना भी है। इस मौके पर जो संत चार्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पर्यावरण के बारे में बच्चों को एक जागरूकता करने के बारे में बताया और कहा कि वो बच्चे जो आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर वो अभी से सचेत हो जाएंगे तो पर्यावरण को बचाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई जाएगी। इस प्रतियोगिता का जो आज आयोजन किया गया है, इसका रिजल्ट 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज सरधना के ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अतुल प्रधान मुख्य अतिथि होंगे तथा अन्य गणमान्य नागरिक भी इसमें उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की विशेषता ये रहेगी कि पर्यावरण के बारे में एक तो जागरूकता बढ़ेगी, दूसरे ये है कि जो ये चित्रकला प्रतियोगिता हुई है, इससे बच्चों में चित्रकला के बारे में और अपने पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानने व सीखने को मिला। इस कार्यक्रम में के बाद राष्ट्रीय गान कराया गया, आइए आपको सुनवाते हैं राष्ट्रीय गान।